सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे जी सर आपने इंग्लिश और हिंदी की ग्राफिंग तो हमें सिखा दी है, अब हमें काउंटिंग की ग्राफिक भी सिखाई, मतलब जीरो से लेकर के नाइन तक आप हमें लिखना सिखाइए काउंटिंग में, गिनती में। तो चलो मैं आज आपको जीरो से लेकर के नौ तक गिनती सिखाता हूँ, आगे सारी गिनती उसी के हिसाब से फिर बन जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपके अक्षर है वो 3x5 में बनेंगे, जैसे हम इंग्लिश के अक्षर बनाते हैं, सिर्फ इसमें चार जो है वो आपका 4x4 में बनना है, 5x4 में बनना है, बाकी आपके अक्षर सेम है। तो मैं यहाँ पे बनाने शुरू करता हूँ। जैसे आपने वन बनाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपने काउंटिंग इसमें लिखनी है। और अक्षर जब बनाने शुरू करेंगे, जैसे हमने वन बनाना है तो लास्ट की लाइन है इसको हम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, और ये जो लाइन है ये हम पूरी हम इसको ऊपर तक इस तरह से हम लाइन लगा देंगे। ये जो लाइन दूसरी हमने लाइन लगानी है हमने यहाँ आधे तक लगानी है, ऊपर से नीचे डेढ़ हम यहाँ छोड़ देंगे, ये हम पूरा यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसको यहाँ आधे तक, यहाँ से इसके आधे तक इसको हमने यहाँ से ऐसे मिलाना है, और यहाँ से हमने ये आधी लाइन हमने यहाँ पर इस तरह लगानी है, इसको हमने यहाँ मिला इस तरह से। तो ये हमारा जो है वो वन जो है वो बन जाएगा। अब हमने बनाना है टू, तो यहाँ से 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमने छोड़ना है। तो यहाँ पे पिछली लाइन हम पूरी ब्लॉक कर देंगे इस तरह से, और जो अगली लाइन है वो हम यहाँ से डेढ़ तक ही ब्लॉक करेंगे, हम इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे इस तरह से। आगे से हमने ये लाइन हमने ब्लॉक कर देनी है, और ऊपर हमने जो है वो ये लाइन हमें ब्लॉक कर देनी है इस तरह से। हम इसको मिला देंगे यहाँ से इस तरह से, आप देख सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से हम इसको मिलाएंगे, और यहाँ से हमने इसको थोड़ा कर्व देना है इस तरह से, यहाँ से हम यही कर्व जो है वो इस तरह से इसमें दे देंगे 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमें इसको मिलाना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरी लाइनें जो है इसकी वो ब्लॉक हो जाएगी इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इन लाइनों को मिलाना है, इन लाइनों को मिलाना है, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से थोड़ा हम कर्व बीच में दे सकते हैं, बीच में इस तरह से हमने इसको मिलाना है, यहाँ से हम इसको तिरछा मिला देंगे, या आधा हम आगे ले जाएंगे यहाँ से, ये हम पूरा यहाँ मिला देंगे, यहाँ से हमने आधे तक इसको मिलाना है यहाँ से इस तरह से। हमारा तीन बन जाएगा। चार बनाने के लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4 मैंने पहले ही बताया था कि चार जो आपका और 4x4 में बनेगा चार, इसके लिए हमने ये जो हमारी लाइन है ये हमने एक स्टेप डार्क करना, एक छोड़ देंगे, और ये हम जो है पूरी लाइन फिर आगे जो है इस तरह से डार्क कर देंगे। यहाँ से हमने ये लाइन पूरी डार्क करनी है, और ये जो हमारा है यहाँ से हम डेढ़ छोड़ देंगे, परे से डेढ़, यहाँ से हम डेढ़ इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ हम एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे इसको मिला देंगे इस तरह से। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन हम यहाँ तक पूरी ऊपर तक मिला लेंगे, यहाँ से हम एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको यहाँ मिलाना है, ये हम जो एक स्टेप यहाँ भी ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा चार। अब हमने बनाना है 5, 0, 1, 3 0, 1, 2, 3 इंग्लिश भी हम इसी तरह से लिखते 3x5 सेंटीमीटर में, और काउंटिंग भी हमारी जो है इसी तरह लिखी जाती है। अब पाँच बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जीरो है तो यहाँ आधा, यहाँ से आधा हम छोड़ देंगे, और बाकी पूरी लाइन हम इस तरह से इसको ब्लॉक कर देंगे, यहाँ से डार्क कर देंगे, और ये जो लाइन हमारी है ये हमारी आएगी डेढ़ तक पीछे से, यहाँ से डेढ़ तक हमारी ब्लॉक आ जाएगी। यहाँ से हमने ये आधे तक आगे जो है डार्क करनी है, और ये हमारी लाइन है, तो इसको हमने जो है वो
यहाँ तिरछा मिला देना, ये हम इसको सीधा यहाँ मिला देंगे एक स्टेप आगे करके इस तरह से। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको आधा आगे हमने लेके जाना है इस तरह से, ये आधा ही हमारा है। ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ है ना, लास्ट बार हमने इसको यहाँ घुमा के यहाँ मिला देना है। इसको हमने यहाँ कर्व इस तरह से दे देना है यहाँ से, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और इस तरह से हम एक और दो को ब्लॉक करके इस तरह मिला देंगे। इसको हमने यहाँ से आधा आगे लेके जाना है, यहाँ से हम इसको आधा आगे लेके जाएंगे, इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 5। अब हमने बनाना है 6, 0, 1, 2, 3, यहाँ से हमारा है 0, 1, 2, 3। तो इसमें हमने जो बीच वाली हमारी लाइन है, ये हमारे सारे ब्लॉक जो है वो इस तरह से हमारे ये डार्क हो जाएंगे। हम देख सकते हैं वो हमने यहाँ से दिया, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ से लेना है आधा आगे, यहाँ तक आधे तक हम इसको आगे यहाँ ले लेंगे यहाँ से, और इसको हमने जो यहाँ पूरा मिला देना है, इसको हम यहाँ क्रॉस दे देंगे, और इसको हम पूरा यहाँ तक आगे तक लाइन को यहाँ से हम इसको ऐसे क्रॉस दे देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं बीच वाला हम बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह से ब्लॉक कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा 6 जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से वो हमने बनाना है इसका 7, तो 0, 1, 2, 3, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 7 के लिए ये पूरी लाइन हम लास्ट की जो है ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। और ये लाइन जो हमारी है, ये हमारी, ये हम एक खाने तक ब्लॉक करेंगे यहाँ से। हम इस तरह इसको जो है ना इस तरह से मिला देंगे। नीचे हमने एक और दो को मिलाना है, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा कर्व दे करके यहाँ मिलाना है। इसको हमने वही कर्व दे करके यहाँ हमें इसको मिला देना है इस तरह से। तो हमारा 7 जो बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमें बनाना है 8, तो 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, हम इस तो हमने 8 बनाना है। यहाँ से ये पूरी जो लाइन है, ये हम यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे इस तरह से, यहाँ से 8 बनाने के लिए। ये बीच के जो खाने हैं इनको हम पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने इसका कर्व देना है। यहाँ हम इसको आधा कर्व देंगे यहाँ से, और इसको यहाँ मिला देंगे, इसको हम यहाँ मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम हाफ कर्व इसमें देंगे, और इस तरह से हमारा 8 जो है वो बन के तैयार हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। वो हमने बनाना है 9, तो 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह से। तो इसमें भी हमने बीच वाली जो है सभी लाइनें हमने ये ब्लॉक कर देनी है इस तरह से 9 बनाने के लिए। और यहाँ से हमने ये जो आपका ब्लॉक है पूरा ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, और ये लाइन हम यहाँ तक जो है वो आगे ले आएंगे सीधी बिल्कुल इस तरह से। और ये हमारा इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये लाइन हम एक स्टेप आगे इस तरह से इसको मिला देंगे, और हमारा बनता रहता है 0, तो आपका 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। इसमें हमने ये लाइन बीच की, ये लाइन यहाँ भी, ये और ये लाइन हमने मिलानी है, और हम इसको इस तरह से मिला देंगे। आप चाहो तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल अभी जो है वो इस तरह से, ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इसमें और ज़्यादा कर्सिव इसमें दे सकते हैं, और सबसे आसान तरीका काउंटिंग लिखने का ये ही है। इस तरह से आपने इसको बनाना है। चाहो तो आप और जितना भी आप चाहो स्टाइल से इसमें आप अक्षर अब बना सकते हैं, पर फिलहाल आपको जो है काउंटिंग मैंने सिखा दी है कि सबसे आसान तरीके से आपने गिनती जो है कैसे लिखनी है। ये सबसे आसान तरीका गिनती लिखने का, इसी तरह से आपने इसको लिखना है ग्राफिंग में। पहले आपने इसको ग्राफिंग में लिखना है, उसके बाद आपने इसको अपनी ड्राइंग शीट पर कलर फिल करके बनाना है, और इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। Thanks for watching my channel, Drawing Study.